हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी शायरी के साथ में। जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए जनाब, जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो चलिएगा, आपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Where was the first meeting of India's Central Asia Joint Working Group on Afghanistan held recently? हाल ही में अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है आपके न्यू दिल्ली के अंदर। Which Indian ministry has been honored with the Porter Prize 2023 by the Institute of Competitiveness? Institute for Competitiveness ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। रिसेंटली द फर्स्ट एंड ओनली डीएनए वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है? तो किसके लिए की गई है? डेंगू के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज टाइड अप विद द विच स्टेट टू इंप्लीमेंट अर्बन कूलिंग इनिशिएटिव। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। Who has recently been elected as the president of Nigeria? Nigeria के राष्ट्रपति पद पर किसको चुना गया है? तो चुना गया है आपके बोला तिनुबु को। National Youth Parliament being organized in New Delhi. New Delhi में राष्ट्रीय युवा संसद आयोजन किया जा रहा है। तो फोर्थ नंबर का किया जा रहा है आपका। Who is the author of the book Mudak Upanishad? The Bridge of Immortality released by the Vice President recently. हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मूडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी का लेखक कौन चुना है? तो वो कौन है आपके? वो है आपके डॉक्टर करण सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। Who has recently become the first woman officer to command an army battalion in Ladakh? हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बन गई है? तो बन गई है आपकी गीता राणा। Which has been declared as the 53 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली। हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसको चुना गया है, किसको घोषित किया गया है? तो वो किया गया है आपके मोगंज को। विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है आपका सिद्धरूदा स्वामी कर्नाटका के अंदर। Which country has recently organized maritime partnership exercise MPX in the Arabian Sea? हाल ही में किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया है? तो किया गया है आपके फ्रांस के अंदर। Who has been ranked at the top position in the 10th Global Terrorism Index 2022? दसवें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर किसको रखा गया है? तो रखा गया है आपके अफगानिस्तान को। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन स्टेशनरी ब्रांड लग्जर? हाल ही में भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लग्जर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो वो चुना है आपके विराट कोहली को। विच रॉकेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 40 इंटरनेट सैटेलाइट्स ऑफ वन वेब? हाल ही में वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया आपके फाल्कन 9 रॉकेट को। हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द न्यू जनरेशन ऑफ AI लैंग्वेज मॉडल चैट GPT-4?
हाल ही में एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर लर्न करके जाइएगा। चैट GPT इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन ओपन एआई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। वेयर वाज़ द थर्ड मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरेडोस हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरेडोस का आयोजन कहां पर किया गया? तो किया गया आपके इंडियन ओशन में। रिसेंटली इंडिया हैज वोन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 बाई डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया 2-1। वेन वॉज द ट्रॉफी ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम? हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जीती है। यह ट्रॉफी पहली बार कब आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1996-97 में। वेयर हैज द आरोग्य महिला योजना हेल्थ प्रोग्राम फॉर वुमेन बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो वो किया गया है आपका तेलंगाना के अंदर। रिसेंटली हैदराबाद बेस्ड स्वेयर रोबोटिक्स डेवलप्स बाय व्हाट नेम हैज डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजीनियस क्वाड्रपड रोबोट इन इंडिया? हाल ही में हैदराबाद स्थित श्वेया रोबोटिक्स डेवलप ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? तो उसका नाम है आपका एक्सोस्केलेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। रिसेंटली इन विच स्टेट द फॉर्मेशन ऑफ 19 डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अनाउंस? हाल ही में किस राज्य में 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई है? तो की गई है आपके राजस्थान में। रिसेंटली हु हैज बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विद व्यास सम्मान 2022 बाई के बिरला फाउंडेशन? हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसको सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो किसको? ज्ञान चतुर्वेदी जी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। वेयर हैज द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइज द फोर्थ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव टू डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन रिसेंटली? हाल ही में भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया है? तो किया है आपके कोलकाता के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। विच आर द टॉप आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2018-22 एज पर सिप्री रिपोर्ट? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका रशिया, फ्रांस एंड अमेरिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। विच कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट टू स्टोर CO2 अंडर द सी रिसेंटली? हाल ही में CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है आपका डेनमार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। Where with the world largest semiconductor chip manufacturing center to be set up? दुनिया का सबसे बड़ा semiconductor चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा आपके साउथ कोरिया के अंदर। Recently, who has been elected as the president of China for the third time? हाल ही में चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसको चुना गया है? तो चुना गया है आपके श्री जिनपिंग को। Which actor has recently been announced by PepsiCo India as its brand ambassador? PepsiCo India द्वारा हाल ही में किस अभिनेता को अपना brand ambassador चुना है? तो चुना है रणवीर सिंह जी को। तो next question की ओर चलते हैं अपने। Which day is celebrated every year on 1st March? प्रतिवर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका World Civil Defence Day। तो next question की ओर चलते हैं अपने। Which state has recently announced the launch of the Male State Sports Awards and Honors Scheme? हाल ही में किस राज्य नर राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो की है आपके बिहार राज्य को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसेंटली प्रपोज ग्लोबल इनिशिएटिव मीरा इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल मीरा
का संबंध किस फसल से है? तो वो है आपके मिलेट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। Who has been honored with the best FIFA Men's Player 2022 award? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो वो आपका है लियोनेल मेसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार 2023 स्टार्टेड? एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो वो हुआ है आपके न्यू दिल्ली के अंदर। रिसेंटली इन विच कंट्री द मिशन लाइफ प्रोग्राम लॉन्च द बाई द प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 2022 has been organized। हाल ही में अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किया गया है आपके बांग्लादेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तो चलिएगा आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।